नमस्कार दोस्तों, मेरा आप सब दोस्तों से निवेदन है कि हमारी न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करें, जिससे हमारे द्वारा की गई मेहनत सफल हो जाए। मेरी जो न्यूज है वो एक श्री करणपुर कस्बे को लेकर है, लेकिन यह नियम पूरे राजस्थान में लागू होता है। इसीलिए मेरी न्यूज को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मैं सिर्फ उदाहरण करणपुर का देता हूं, लेकिन ऐसा पूरे राजस्थान में हो रहा है। आज की वीडियो में हम देखेंगे श्री करणपुर में बढ़ता नशा और पुलिस की नशे के खिलाफ भागीदारी। लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। हम पहुंच चुके हैं श्री करणपुर टेलीफोन एक्सचेंज के पास स्थित शराब की दुकान पर। आप देख रहे हैं शटर बंद करके खुलेआम शराब बेची जा रही है। इस शराब की दुकान के बाद मैं दूसरी शराब की दुकान की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में एक सरदार जी कुछ बोलते हुए नजर आए। सरदार जी ने कहा, शराब ठेकेदार श्री करणपुर पुलिस थाना अधिकारी को 25,000 रुपये महीना खिलाते हैं, जिसके कारण श्री करणपुर पुलिस अपना काम नहीं कर रही और खुलेआम रात को 8 बजे के बाद टेलीफोन एक्सचेंज के पास स्थित शराब की दुकान पर शराब बेची जा रही है। सुने क्या कहा सरदार जी ने। आपको मौका दिखाया था। अच्छा जी, आप करणपुर के थानेदार हैं, जो अपने करणपुर थाना थानाधिकारी हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हो? उसको मैं ये कहना चाहता हूँ, मेन रोड है ये ठेका बंद, 8 बजे लोड नहीं है, ठीक है जी। दारू 8 बजे बिकती है, कहते हमारा धंधा है, हमें कौन चेंज कर सकता है? आपका SHO जहाँ आया था, एक रेडियो वाले को परेशान करे और ठेके को लाऊ, जो 25,000 महीना को देते उसके लाऊ है खुला ठेका, ठीक है जी। इस पाबंद नो टेंशन, पाबंद एक सूल, पुलिस वाले महीना खा रहे हैं टिका के, बिल्कुल महीना खा रहे हैं, ठीक है जी, धन्यवाद। खरे हम। अभी आपने सुना कि सरदार जी ने सारी पोल खोल दी। कुछ समय बाद वहां पर श्री करणपुर पुलिस की गाड़ी पहुंच जाती है और सरदार जी दूसरी साइड खड़े चुप हो जाते हैं। मैं भी वहां पर खड़ा था। पुलिस की गाड़ी खड़ी है, सरदार जी दूसरी साइड चुप करके खड़े हो गए। पुलिस की गाड़ी कुछ समय वहां रुकी और फिर बाद में चली गई। जब पुलिस की गाड़ी आई, अगर सरदार जी शोर मचा रहे होते तो पुलिस की गाड़ी सरदार जी को उठा कर ले जाती। पुलिस का काम है क्राइम को रोकना, शराब की दुकानें बंद करवाना आबकारी विभाग का काम है। यह बात मुझे रात को कही एक पुलिस अधिकारी ने। यानी 8 बजे के बाद सारी रात खुलेआम शराब बिकती रहे, पुलिस नहीं रोकेगी। अगर वहां पर आकर किसी ने शोर मचाया, फालतू बकवास की, तो पुलिस उसे उठा कर ले जाएगी, क्योंकि ऐसा इसीलिए हो रहा है। अब सुने सरदार जी ने क्या कहा। ये जो ठेका है, हाँ जी, मेन रोड कर्णपुर की धुनी है, इसके ऊपर शराब बिकती है और शराब पीकर लोग की गाली गलौज करते हैं, ठीक है, जबकि गवर्नमेंट के तहत 8 बजे के बाद ठेका बंद होना चाहिए। आपके साथ क्या विवाद इनका हुआ? इनका ये है, मेरे पास फोटो इनकी मूवी है। नहीं, आपके साथ शराब बिकती है ऊपर से। आपके साथ क्या विवाद हुआ अभी? अब क्या हुआ? मेरा था ठेका बंद है, ऊपर से ठेका खुला है, ठीक है, है? हाँ जी। आपको ठेकेदार ने क्या बोला? आपने वो दुकान रेडी वाला था, आपको ठेकेदार ने क्या कहा अभी, धमकी दी? वो नहीं, ये मैं महीना भरता हूँ। किसको महीना भरते हैं? SHO को। कौन से? करणपुर थानेदार को? थाने को। कितना महीना? 4,000 महीना देता हूँ मैं। अच्छा। 4 ठेके मेरे पास है करणपुर के। अच्छा, क्या बात है? आपकी क्या ताकत है ठेका बंद कराने की? अच्छा, मैं जुत्ती से कहता हूँ, गवर्नमेंट का लव है, आप ठेका खोल के दिखाओ, मैं बंद करूँगा आपका। अच्छा, ये इन्होंने चाहे मेरे को फ्लैट को जाना पड़े, चाहे मेरे को अशोक के पास जाना पड़े, तू भी जानू इसकी ठेका बंद बंद है, 8 बजे बाद कोई लाउड नहीं ठेका खोलने का। अच्छा, पुलिस प्रशासन महीना लेता ठेकेदारों से? 25,000 रुपया। अच्छा, 25,000 रुपया, बिल्कुल ठेकेदार बोला। हाँ, जब ठेके का लोड है, मंडी का मेन रोड है, इसकी ब्रांच से दूर ठेका हो, शहर में ठेका खुलता है, ब्लैक बेचते पानी पैके बेचते ही। ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे Facebook Instagram पेज को फॉलो जरूर कर दें, जिससे हमारे द्वारा कोई भी बड़ी खबर, न्यूज, घटना, स्टोरी डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलता हूँ आपसे एक और बड़ी खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।